तो आज हम लोग इस होटल में जो है प्रवेश करेंगे और इस होटल में आज हम लोगों को रहना है। होटल देख लें भाई, और इसके अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो तो आप लोगों को आगे दिखाएंगे और बताएंगे। तो अभी पानी यहाँ तक आ रहा है, कुछ देर के बाद मतलब 2 घंटे के बाद पानी वहाँ तक चला जाता है। तो उस टाइम में सब लोग जो है नहाने के लिए उतरते हैं, सब लोग इंतज़ार में कि पानी कब कम हो कि हम लोग जो छलांग लगाएं। तो अभी हम लोग जो है होटल तलाश रहे हैं। होटल जो बुक किए थे ऑनलाइन में तो मिल ही नहीं रहा कहाँ पर है। बहुत बड़ा दीघा है, न्यू दीघा, ऑल दीघा सब बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन में जाके देखेंगे होटल कहाँ पर, फिर सारी वीडियो करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम लोगों का होटल इसी लाइन में है, कहाँ पर है नहीं है पता ही नहीं चल रहा है, इतना सारा होटल है। इस होटल के पीछे भी होटल है भाई, बहुत सारा होटल है, एकदम जबरदस्त होटल है हम लोगों का। It's almost like falling in love for the first time all over again। जितना भी एरिया ना भाई सब जो है बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली है भाई। वो तो हम लोगों को पास मिल गया तो थोड़ा जान बचा है, बाकी जितना भी होटल देख रहे हैं लाइन से सब महंगा और फैंसी, एकदम कॉस्टली होटल है। और क्या प्राइस है वो तो अभी हम लोग रूम ढूंढ रहे हैं, अपना रूम मिल ही नहीं रहा। ये सब बहुत ज़बरदस्त होटल है हम लोग का, एक और हम लोगों का इन सब होटलों में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त हम ही लोग का है सर। आज का मतलब होटल जो है, अब कहाँ है होटल समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली हम लोगों को पता चल चुका है कि हम लोगों का होटल कौन सा है। 4 स्क्वायर होटल का नाम है। अभी तक 10 लोगों से पूछ चुके हैं लेकिन 10 में से कोई भी सही नहीं बताया, चलते चलते खुद से ढूंढना पड़ रहा। तो ये शहर है भाई, यहाँ ऐसे ही होता है। लाइफ में आप संघर्ष कीजिए, संघर्ष कीजिएगा तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। परेशानी को जो है परेशानी का सामना करें, ना कि परेशानी को छोड़ कर भाग जाए। तो यही वाला होटल है हम लोगों का आज का, आज हम लोग इसी में रुकेंगे और 3 दिन रुकेंगे भाई। ये है 4 स्क्वायर। तो हम लोग जो पहुंच चुके हैं यार इस होटल में, अब इसके अंदर में जो है विजिट करते हैं और देखते हैं क्या है। रिसेप्शन पे चलते हैं और उसके बाद क्या है नहीं है देखेंगे। इस होटल का पूरा चारों तरफ का जो है ड्रोन से शूट करके यहाँ डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है। ये देखें स्विमिंग पूल वगैरह, ये दीघा बीच, दीघा बीच के जस्ट पास में ही होता है। फाइनली रिसेप्शन पे जो है सारा काम हो चुका है हम लोगों का, अब हम लोग जा रहे हैं रूम के अंदर में और फिर दिखाते हैं आप लोगों को होटल और रूम दोनों एक साथ। ये है रिसेप्शन। फाइनली अब जो है रूम मिल रहा है हम लोगों को पर्सनली, और हर जगह सीसीटीवी कैमरा, बहुत लग्जरियस होटल है भाई। तो फाइनली हम लोग रूम के अंदर में एंटर कर चुके हैं और हम लोगों का आज दूसरा दिन है, और आपको दिखाते हैं कि रूम में क्या क्या मिला है हम लोगों को और कैसा रूम है, कितना खूबसूरत रूम है, क्या प्राइस है वो भी बताएंगे, और कैसे बुक करना है वो भी बताएंगे, होटल का नाम क्या है, होटल कहाँ पे है, दीघा में कौन सी जगह में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिला क्या सब है। तो सबसे पहले इस बेड को देखें जो कि हम लोग जो है बहुत पहले देखा करते थे और यूज़ किए हैं। इस बेड पर अभी तनवीर लेटा हुआ है। तो यहाँ पर 2 लोग और 2 लोग दूसरे कमरे में हैं। यहाँ पर बड़ा सा LCD स्मार्ट TV कह लें, और बाकी आपको जो है बाहर का थोड़ा दिखा दिया जाए। इस तरफ में स्विमिंग पूल जो कि अभी हम लोग तो नहीं जाएंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे उसके बाद जाएंगे। बाकी आपको फाइन मिल ही जाता है, AC मिल ही जा रहा है। वॉशरूम, सबसे पहले वॉशरूम देखना बहुत ज़रूरी है। चलो भाई ये वॉशरूम में अंदर एंटर करते ही आपको बड़ा सा मिरर्स यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए,
और ये अंग्रेजी टॉयलेट वही हुई हुई जिसको हम जिस बात का डर था वही हुआ। बाकी वॉशरूम वाशरूम सब क्लीन क्लियर है और क्या सब है वो देख लेते हैं। उसके बाद आपको इधर एक छोटा सा अलमीरा मिल जाएगा, ये वाला छोटा सा अलमीरा जस्ट गेट खोलेंगे और आपको लेफ्ट हैंड में मिल जाएगा भाई। चलो इसको बंद कर दो। मिनी फ्रिज वगैरह कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी इस तरफ में क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ओहो ये देखें भाई स्विमिंग पूल, हम लोग भी एंटर करेंगे कुछ समय के बाद, थोड़ा सबर कर ले रहे हैं। उसके बाद ये पूरा होटल एक ही है, यहाँ से लेकर पूरा पूरा इस तरफ तक, और ये नीचे देखें स्विमिंग पूल। वैसे अगर बात करें रूम का तो रूम मुझे पर्सनली कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन सस्ते में मिल गया तो भाई बहुत ख़ास है। इससे बेस्ट और इससे बेहतर जो है, जो हम ट्रेवल करते थे 2018-19 में, तो इससे लग्जूरियस होटल में हम रह चुके हैं, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा भाई। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोग कभी ऐसे होटल में रुके हैं या नहीं रुके हैं। ये वाला दूसरा रूम है जिसमें स्टे कर रहे हैं आज खालिद भाई, और क्या नाम है? फैयाज नाम है, सॉरी फैयाज, खालिद भाई। उसके बाद भाई साहब आपका अली हसन साहब। तो ये तीन आदमी इस रूम में और हम तनवीर इस रूम में आते के साथ देखो बसंतर मचा दिया ये लोग। और उसके बाद वॉशरूम, चल भाई लाइट जल जा। ये वॉशरूम जो है ज्यादा क्लीन क्लियर हम लोगों से, ये देखे इसमें भी अंग्रेजी वॉशरूम दिया हुआ है और बाकी गीजर वगैरह दिया हुआ है सामने में, बल से झरना वरना ये कोई खास नहीं है, बोला नहीं एक बार बोल दिया ना, कोई खास नहीं है भाई। और यहाँ पे भी एक LCD है भाई और दो बोतल पानी दिया है, एक अलमीरा इसमें भी दिया है भाई, लेकिन बहुत ज्यादा जो है बदलू कर रहा है भाई, सही नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। लॉकर कहाँ है? लॉकर कहाँ है? ये कपड़ा अंदर चड्डी उड्डी उतार के रखने के लिए दिया है ये वाला। लिक्विड वगैरह तो है, हाँ भाई लिक्विड वगैरह है इसके अंदर में, हाँ भी हैंड वॉश करने के लिए, लेकिन स्लीपर नहीं दिया है जो कि स्लीपर देना चाहिए। इसी स्लीपर को हम लोग जो है वॉशरूम में यूज करेंगे, फिर बेडरूम के पास लेकर आएंगे, जो कि काफ़ी गलत बात है। चप्पल नहीं दिया भाई, ये लोग अभी फ़ोटो शूट करवा रहा है इस वाले फ़ोन से। हम लोगों को रूम नंबर 306 मिला है। होटल के अंदर तो सब कुछ है ही इंक्लूड, लेकिन बाहर का खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं कि बाहर का क्या चीज़ किस तरह का मिल रहा है नई जगह में, मुआयना करने के लिए जा रहे हैं भाई। और आपको दिखाते हैं बाहर में क्या चीज़ हम लोग ले रहे हैं, और अभी बस अभी तक के लिए लेंगे, उसके बाद फिर सारा कुछ होटल में ही मिल जाएगा। फूड एरिया में जाने का है, हाँ फूड एरिया में जाने का है। रिसेप्शन आप लोगों को दिखा दिए हैं, और हम लोगों को ब्रेकफास्ट कहाँ से मिलेगा वो दिखाएंगे, और फिर लंच कहाँ से मिलेगा, डिनर कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। डिनर तो ऑलरेडी होटल में है, बट हम लोग थोड़ा सा अभी का भोजन जो है हम लोग खुद का तलाश कर रहे हैं। हाँ क्या खुद का? जी जी, मनमर्जी मतलब जो है मनमर्जी का जो खाने का सामान है वो लेने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। राइट, अपना सपना आज पूरा हो गया। वो ऐसे हुआ कि दीघा के अंदर में कोई सा भी होटल लीजिए आप, 1000 के समथिंग होगा ना, 1000 के आसपास आपको कम से कम जो मिनिमम, हाँ मिनिमम मैक्सिमम बोले तो 1000 रुपये लगेगा ही। लेकिन हम लोग आज इतने बड़े होटल में रुके ना भाई, अंदर से खुशी भी हो रहा है और प्राउड फील हो रहा है कि क्या छोटे उम्र में बड़ा बड़ा फील मार रहे हैं हम लोग। बात तो सही है। तो अभी हम लोग फर्स्ट आ गए हैं इस होटल से खाना लेने के लिए, खाना ले लेंगे, खा लेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बीच पे जाएंगे एंजॉय करने। उस टाइम में जो कुछ हल्का नाश्ता वगैरह कर लेंगे, नाश्ता किए नहीं है, सुबह 6 बजे चले थे और अब तक कुछ नहीं खाए पानी के अलावा। तो ये होटल है भाई, और खाना हम लोग देखेंगे पहले कैसा है, उसके बाद आप लोगों को रिकमेंड करेंगे, फिर आप लोग आएँ यहाँ पर। ये ऑनर है भाई, ये ऑनर साहब है, यहाँ खाना नहीं मिलता देखो यहाँ भाई, यहाँ तो लेडीज़ भी काम कर रही है। हम लोग के यहाँ अगर लेडीज़ काम करेगी तो लोग गलत ही बोलने लगेंगे। बात तो सही है। ये वो फलाना ढिमकाना, तो आप ये सामने काउंटर देख रहे होंगे, ये वाला काउंटर दीघा टू कोलकाता, इतने सारे लोग दीघा से कोलकाता जाने वाले हैं और हम लोग कोलकाता से दीघा आए हैं।
मतलब ये लोग एंजॉय कर लिए, अब हम लोगों की बारी है भाई। चल 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 चल, हम लोग देखते हैं क्या उखाड़ पाते हैं। देख रहे हैं लाइन लगा हुआ है टिकट का, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बोलबम का टाइम चल रहा तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसके लिए लोग जो है पर्सनल मतलब अपना बस बुक करके जा रहे हैं। एक टिकट का कॉस्ट पड़ रहा है 350 रुपये एसी वाले बस का, नॉर्मल का एसी वाले बस का ना। और ये वाला लोकेशन देखने जा रहा है, अभी खाने का टाइम। हम लोग खाना तो खा चुके हैं आज का, लेकिन कोई ख़ास नहीं था, कम पैसे में अच्छा बोल सकते हैं, कोई ख़ास नहीं था कम पैसे में अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन अब हम लोग सो जाएंगे, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, सुबह से उठे हुए हैं तो सोच रहे सो जाए, फिर उसके बाद जो है बीच पे जाएंगे तो वीडियो करेंगे कंटिन्यू। तो वीडियो में बने रहें, डिटेल्स पूरा मिलेगा, रूम का कितना कॉस्ट आया, खाने का क्या आया, कैसे आना है आपको, कैसे विज़िट करना है इस होटल में अगर आना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताएँगे हम। इस होटल में वाईफाई भी इंक्लूड है भाई, ये पासवर्ड वाईफाई का 4 Square Holidays, देखो ये वाईफाई का पासवर्ड, स्मार्ट टीवी। चलो साला इन लोगों के हाथ में पासवर्ड मिल गया था, पासवर्ड नहीं दे रहा था इन लोगों।